सबसे बड़े चिकित्सालय जिसको जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय कहा जाता है, जो कि जिसके अंदर न सिर्फ अजमेर के आसपास के सभी गांवों के सभी जिलों के लोग यहां पर चिकित्सा का उपचार करना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि यहां के हालात इस प्रकार से हो चुके हैं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर कि मतलब आदमी अगर बुखार का इलाज कराने आता है तो हो सकता है बुखार से तो वो दो दिन सही हो जाए, लेकिन उसकी स्थिति ये है कि छत के पानी टपक रहा है और छत गिरने से अगर वो उसकी किसी भी प्रकार से चोट लग जाती है तो हो सकता है उसको 15-20 दिन बुखार से सही होने के बावजूद भी केवल चिकित्सालय की लापरवाही के कारण भर्ती रहना पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इसके ऊपर चिकित्सा मंत्री जी को तुरंत ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द सही करना चाहिए। उद्घाटन हुआ था, 3 करोड़ रुपए की लागत से इसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद में भी इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च होने के बाद भी अगर यह व्यवस्था नहीं की जाती तो ये अपने आप में बहुत दुखद घटना है। इस पर वापस कार्यवाही करनी चाहिए और इस पर चेकअप करना चाहिए। आज जो जेएलएन चिकित्सालय में छत में से पानी टपकने की घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखा जाए तो अजमेर जिले के ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी हैं, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि राजस्थान सरकार जो है संवेदनहीन सरकार है। अगर पानी छत से टपक रहा है, कल को छत गिर जाएगी, एक बड़ा हादसा हो सकता है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं राज्य सरकार से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और मरीजों की सुविधा के लिए इसका पुनर्निर्माण करवाए। 100 सेकंड। हाँ, इस पानी टपकने के दौरान शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, छत भी गिर सकती है, बिल्डिंग भी ढह सकती है, एक बड़ी दुर्घटना और एक हादसा हो सकता है। तो प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि चिकित्सालय के पुनर्निर्माण पर जल्दी ध्यान दे। अभी 3 करोड़ की लागत से ही बनाया गया था जी, क्या इसमें कोई कमी रहेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से दिख रहा है कि अभी जो बनाया गया है 3 करोड़ की लागत से ये बनाया था, कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, तो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण इसमें निर्माण रहा है और जो निर्माण सामग्री है वह भी घटिया क्वालिटी की यूज़ की गई है। तो हम मांग करते हैं कि उसकी एक जाँच हो और एक कमेटी बनाकर इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए। अंकुर सोनी।